भाई अपनी स्कॉर्पियो देख के होटल का पूरा स्टाफ बाहर आ गया है। वो रिसेप्शन वाली लड़की भी हंसने लग गई कि क्या गुंडा बनेगा रे तू, ये तो लग्जरी है पूरा का पूरा। और इधर टर्की में ना पार्किंग को ऑटो पार्क बोलते हैं, ये तो पूरा जाम सा हो रखा है भाई। बट हम गुड़गांव से है तो हमें पता है इसकी क्या वैल्यू है ऐसे दूसरे देशों में चलाने की। पुलिस वालों की गाड़ियां बना रखी है ये देख लो, ताकि लोग इनको देख के ना ऐसा समझे कि सही में पुलिस खड़ी है। स्कॉर्पियो में ना कहीं भी पावर में कोई कमी नहीं आई, लिटरली लोग रहा करते थे उस टाइम पे यहाँ पे। बताओ भाई ये तो पूरी सिटी सी बना रखी है अंडरग्राउंड इन्होंने, देखना। सामने भाई हमारे टर्किश शादी चल रही है। चलो भाई फाइनली अपने इस वाले होटल से हम चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरा होटल लेना है जो जस्ट बिल्कुल सामने ही है। पिछली चार रातों से हम इसी वाले होटल में रुके हुए थे, पर नाइट 4,000 रुपए हमने दिए थे, यानी कि 16,000 रुपए चार नाइट। बट यहाँ पर ना कैपेडोकिया में भाई केव होटल बहुत ज्यादा फेमस है, तो एक नाइट तो रहना बनता है, हालांकि वो इनसे महंगे होते हैं 1,500-2,000 रुपए। तो सारे दिन तो हम वहां नहीं रुक सकते थे, तो हमने सोचा लास्ट दिन ना वहीं रुकेंगे, तो आज की रात केव होटल के नाम। बाकी थोड़ा सा लेट हो गया, 11 बजे का चेकआउट था, बट 12 बजने वाले हैं। फटाफट से सामान रखते हैं गाड़ी में, होपफुली एक्स्ट्रा पैसे ना ले भाई। जस्ट सामने ही है वो वाला होटल केव। इज देयर एनी पेंडिंग बिल फॉर वाटर? यस, फॉर 5 वाटर। यस, ओके, इट्स 100 रुपए। थैंक यू। टर्की में ईरान की तरह ना पासपोर्ट नहीं रखते, तो इसलिए हमारा पासपोर्ट हमारे पास ही रहता, वरना ईरान के जितने भी होटल थे ना हर जगह पासपोर्ट जमा करके रखना पड़ता था, जब चेकआउट करो तब वो देते थे। वैसे तो होटल की पार्किंग ये थी, बट यहाँ पे जगह मिली नहीं, तो हमने रात को सामने लगा दी थी गाड़ी। होटल यहाँ से यार 90 मीटर ही दिखा रहा है, तो हम सोच रहे पैदल चले जाए, बट फिर ये सोच रहे कि उनकी पार्किंग में ही गाड़ी लगाएंगे ना, यहाँ को छोड़ के जानी, तो इसलिए मजबूरन भाई सामान तो गाड़ी में ही डालना पड़ेगा सारा का सारा। ये कुछ सराउंडिंग एरिया है भाई अपने होटल के आसपास का। लास्ट के दो लोग देख लेना, पूरे सिटी का टूर भी दिया है, अच्छी अच्छी चीजें भी करके दिखाई है। असल में ये कैपेडोकिया सिटी का नाम नहीं है, एक रीजन का नाम है। हम जिस सिटी में रुके हुए हैं वो है गोरे में। देखो इतना सा ये शहर है, 2000 लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, एंड इसी मैप में सब कुछ लिखा हुआ है कहाँ पे क्या चीज है। वो रहा भाई अपना पुराना होटल, एंड जस्ट उसके सामने ही ये रहा एम्पायर केव होटल। सबसे सस्ता यहाँ पे यही मिल रहा है, मतलब सस्ता तो ये भी नहीं है, बट बाकियों के मुकाबले सस्ता है। अभी थोड़ा सा चल के भाई नेगोशिएट करवाते, क्या पता कम वम कर दे, और रूम भी एक बार देख लेते अच्छे से। ये वाले तो भाई नॉर्मल रूम है, एंड उधर की तरफ इन्होंने बना रखे है केव रूम्स, ऐसी गुफा के अंदर हुए हुए, देख रहे हो भाई साहब। यही है ना, बस ये एक्सपीरियंस की वजह से महंगे होते हैं काफी ज्यादा। अब इनके पास दो ही रूम बचे हुए हैं, वो कौन से रूम है जाके देख रहे हैं और कितने का पड़ेगा वो देख रहे हैं। भाई साहब कैसे गुफा में बना रखे, देखना अंडरग्राउंड पूरा का पूरा। मजेदार भाई साहब, गेट भी पुराने जमाने के पूरे। जैसे हम कल वो गए थे ना रेस्टोरेंट में रात को टर्किश डांस के लिए या नाइट के लिए, वैसे ही कुछ। अरे यार ये तो पूरा, अरे भाई साहब ये तो लग्जरी है पूरा का पूरा। एक डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पे, एंड ये इतना बड़ा बाथरूम। ओ भाई बाथरूम है क्या, पूरा कमरा है ये तो, देख रहे हो। सही बात है, यहाँ पे ही लगा देते हैं एक और बेड। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ठंड बहुत लग रही है, तो इसलिए ना गीजर हीटर लगाए हुए हैं, कोई भी एसी नहीं है पूरे रूम में, ठीक है। एंड सेकंड वन, ये तो बेसमेंट का था, ये तो पूरी ही वाइब दे रहा है भाई। अब ऊपर वाला देखते हैं। वही है भाई, अब इतनी दूर आए हैं, एक ऐसा एक्सपीरियंस है तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे, एक्सपीरियंस तो करना ही है ना। बलून भी नहीं कर पाए एक तो हम बारिश की वजह से, केव होटल का तो नहीं छोड़ना भाई एक्सपीरियंस। दीज आर विद बालकनी? नो, दैट वन हैज अ स्विमिंग पूल है भाई इसके अंदर तो, पर ये बुक्ड है ऑलरेडी। महंगा भी होगा, हम लेंगे भी नहीं वैसे भी भाई इतना महंगा। इनमें ये है भाई नेचुरल लाइट प्रॉपर आएगी, क्योंकि शीशे लगे हुए ना, मतलब वो खिड़की वाले, नीचे वालों में नहीं थी शायद। ओ ये है भाई, ओए होए होए क्या बात है भाई साहब, ये कैसे राउंड सा बेड है, इसमें तो फिट ही नहीं आएगा अभी शेक तो, ऐसे लंबाई वाइज। जकूजी है, ओहो अंदर, ओ भाई जकूजी दे रखी है अंदर, तो ये शावर एरिया और ये पॉटी करने के लिए। हाँ कपल्स रूम लग रहा है ये, बाकी उधर चिमनी भी लग रही है। एसी इसमें भी नहीं है ना, हीटर भी नहीं दे रखा इसमें तो। या क्या नीचे वाले ही ज्यादा सही है ना, देख पहले रेट पूछते दोनों का। ये ऊपर वाला तो पक्की बात है भाई ज्यादा महंगा होगा। भाई साहब हम तो 6,000-7,000 का सोच के आए थे, यहाँ पे तो 3500 लीरा का निकला, यानी कि अराउंड 13,000 रुपए का, तो इतना तो नहीं लेना भाई। एक्चुअल में मैंने ऑनलाइन प्राइस जो देख लिया ना, वो इनके स्टैंडर्ड रूम का देख लिया, केव रूम जो है ना वो सारे ही महंगे है भाई यहाँ पे। बताओ इन सब में से सबसे सस्ता ये था, तो अब और तो कितने ही महंगे होंगे। तो वैसे मन सा नहीं कर रहा भाई 13,000 रुपए एक नाइट खर्चने का, क्योंकि खाली टर्की आए होते ना तो सोच भी लेते, अभी लंदन तक जाना है भाई बहुत खर्चा होगा, तो 13,000 खर्च के कोई मतलब नहीं बनता। तो देखते ट्राई करते कहीं मिल जाए तो ठीक है, वरना नॉर्मल रूम ही लेके रह लेंगे। तो हमने डिसाइड किया भाई वापस हम उसी होटल में जा रहे हैं हमने चेकआउट किया। वो भी कहेंगे गए क्यों थे भाई जब आना ही था वापस, बट क्या करे भाई, चलो हमने टूर दे दिया आपको, अब रुक के तो क्या ही दिखाते इतने महंगे होटल में। आपने देख लिया ना कैसे होते केव होटल, तो अगर कोई आ रहा है
तो इतने में एक्सपेक्ट करके रखना कि मिलेगा। बाकी जिस होटल में हम रुके हुए थे वो भी कुछ बेकार नहीं था, मतलब अच्छा ही था भाई, काफी वाईफाई भी सही चल रहा था, अपलोड हो जाती थी वीडियो मस्त। वी वांट टू एक्सटेंड फॉर वन मोर नाइट। पार्किंग तो चलो भाई मिल गई, अच्छा हुआ। एंड वो रिसेप्शन वाली लड़की भी हंसने लग गई कि क्या गुंडा बनेगा रे तू, बताओ सब पैकिंग करके सामान लेकर आए, अब वापस से सामान अंदर ले जा रहे है, क्या जिंदगी हो गई। गलती कर दी, चेकआउट से पहले ही ना होटल वोटल पूछ लेना चाहिए था, हमारी आलस की वजह से ये फालतू की मेहनत हुई है। यहाँ कैपेडोकिया में ना हमारा बारिश की वजह से काफी खेल खराब हो गया, हॉट एयर बलून चल नहीं रहा 4-5 दिन से पिछले, इतनी तेज हवा और बारिश है तो वो नहीं हो पा रहा। टूरिज्म इस टाइम पे पीक पे है तो सब चीजें महंगी भी हो रही है, बट आज भाई घूम के आनी है 3-4 चीजें। पहने रेड पिछले फटाफट से आते ही होटल में मैं तो नहा धो लिया, ये वाओ का परफ्यूम लगा रहा हूँ, मस्त है भाई साहब। जो लोग पूछते हैं ना टेंजो ट्वाइलाइट यूज करता हूँ भाई, मस्त फ्रेग्रेंस लगती है, ऐसे मस्त अपने नेक पे लगा लो, खुशबूदार। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। गाड़ी में ना वाइपर वाला पानी खत्म पड़ा है तो मैंने अंदर बात कर लिया है। वैसे तो पानी यहाँ पे बहुत महंगा है, बट वो कह रहे हैं कि हम नॉर्मल भर के दे देंगे क्योंकि पीने वाला नहीं चाहिए ना, तो ये 1.5 लीटर की 2 बोतल है, होटल से फ्री में भर जाएगा, वरना बाहर से लेंगे तो भाई 200-300 रुपए से कम नहीं मिलना। तो यहीं पे इनके पास एक सिंक लग रही है, उसी में से भर के दे रहे हैं, तो काम हो जाएगा अपना भाई फ्री फंड में, मस्त। थैंक यू सो मच। हाउ टू से थैंक यू इन टर्की? यू डोंट? ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलो पानी का हो गया इंतजाम। हाँ ईरान में तो थैंक यू को पर्शियन में वो कहते थे, पर्शियन में नहीं फ्रेंच में कहते थे मर्सी, है वो फ्रेंच वर्ड बट यूज वहाँ पे यही होता था। अरेबिक में थैंक यू को बोलते हैं शुक्रान, तो मुझे टर्की में नहीं पता क्या बोलते थे, मैं उनसे पूछ रहा था बट उनको इंग्लिश आती नहीं थी इतनी ढंग से, तो वो समझ नहीं भाई। बोनट खोलता हूँ और पानी डालता हूँ साथ में, भाई वॉशर लिक्विड भी डाल देते 1-2 ढक्कन। इस लिक्विड को डालने से ना वाइपर मस्त काम करता है, ऐसे झाग झाग सा बन जाता है तो अच्छे से साफ हो जाता है, तो मेरे ख्याल से तो भाई 2 बोतलों से काम हो जाना चाहिए, 3 लीटर काफी रहेगा। एंड ईरान के लोग भी ना टर्की की तरह काफी सही है, मतलब हेल्प कर देते एक बार बोलने पे, ऐसे कोई ना वो बिजनेस वाली चीज नहीं होती इनके दिमाग में कि पैसा लेना है बस। ये चीज इजिप्ट में बहुत थी भाई, छोटी सी हेल्प के लिए भी लोग मतलब पैसा मांगने लग जाते थे वहाँ पे। वही बात है भाई, हर देश में अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, तो किससे आप टकरा रहे हो वो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से भर गया पूरा ये, बस 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 नहीं यार, ये तो आए जा रहा है अभी तो बहुत है। हाँ अब हुआ है, ये लो तो 3 लीटर से भी कम ही आया, ऑलमोस्ट टैंक खाली था। जबकि एक चीज दिखाता हूँ भाई, पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट ये जो रेडिएटर है ना आगे का भाई, इसमें कितने सारे मच्छर से मरे पड़े, ये देखो ओए, ये तो पूरा जाम सा हो रखा है भाई। वही मैं बता रहा हूँ आपको, कीड़े मकोड़े बहुत है, देख रहे हो आगे भी सारा हरा हरा खून सा लगा हुआ है। विंडशील्ड ना 10 मिनट के अंदर अंदर ही गंदी हो जाती है चलाते चलाते। नंबर प्लेट में भी कितने सारे कीड़े हैं, बट भाई दूसरे देशों में अपनी HR 26 की गाड़ी है यार, क्या मजेदार सीन होता है ना। अब इन लोगों को तो नहीं पता HR 26 का क्या मतलब है, बट हम गुड़गांव से है तो हमें पता है इसकी क्या वैल्यू है ऐसे दूसरे देशों में चलाने की। भाई अपनी स्कॉर्पियो देख के होटल का पूरा स्टाफ बाहर आ गया है यहाँ पे भाई। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नेजमित। And are you from Turkey? Yes, Turkey. Okay. But living 3 years ago in Lamshir. Okay. Have you ever seen any Indian car before in Cappadocia? No, don't see. Okay. So this is your first time, right? It's so beautiful car. Different. Yeah. And do you want to say something about India or Indian people? Indian people, different culture and revealing, and so very friendly. ओके थैंक यू सो मच। भाई जो है काफी शर्मा रहे, सारा स्टाफ भी शर्मा रहा था यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है भाई, जो बोलना चाहते हो बोल दो कैमरा में, क्योंकि भाई मेरे से काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कहाँ की कार है, कैसी कार है, ये रैप के बारे में, बट कैमरा के सामने भाई कुछ नहीं पूछ पाए। तो भाई मस्त रिएक्शन रहता है लोगों का टर्की में भी। तो भाई ये वाले शर्मा रहे हैं, बट ये सब कह रहे हैं कि हम साथ मिल के बोलेंगे वेलकम टू टर्की, बट वो कुछ ज्यादा ही शर्मा रहे हैं। आ रहे हैं ठीक है, देखते हैं। कम सारे ही होटल के स्टाफ है, ये शायद से मैनेजर है होटल के, बाकी ये दोनों लड़कियां रिसेप्शन की। टू कम हेयर एंड टू देयर। यस जस्ट से लाउडली वेलकम टू टर्की। ओके 1, 2, 3 वेलकम टू टर्की। थैंक यू। अभी फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ ज़ेल्व ओपन एयर म्यूजियम, यहाँ से कुछ 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है। गूगल पे फोटोज देखी ना भाई, बड़ा सही सा लग रहा था, मैंने कहा जाना बनता ही है एक बार। तो टर्की में ना देखो भाई ऐसी फेक टैक्सी सी बना रखी, टैक्सी कह रहा हूँ सॉरी, पुलिस वालों की गाड़ियां बना रखी है ये देख लो, ताकि लोग इनको देख के ना ऐसा समझे कि सही में पुलिस खड़ी है। सही टैक्टिक्स है भाई साहब, क्योंकि ना बंदा अगर ओवर स्पीड कर रहा होता है तो ऐसे दूर से देख के ना सही में लगता है भाई की गाड़ी है पुलिस की। हमारे साथ बहुत बार हुआ है रस्ते में, क्योंकि ऊपर ना इनमें लाइट भी लगा रखी होती है इन्होंने सायरन वाली, सायरन बज नहीं रहा होता हालांकि, बट दूर से पूरी प्रॉपर लगती है भाई साहब। इंडिया में ऐसी कोई जुगाड़ लगा दिया जाए ना रोड पे या हाईवे पे, तो लोग भाई संभल के चलाए करेंगे गाड़ी, दूर से ऐसे दिखेगा लगेगा पुलिस।
खड़ी है सही में, तो रोक ना ले ना। और हाँ यार सच, काफी लोग पूछ रहे थे कि वो शिपिंग वालों से हमने जो रिफंड लेना था $370 का, उसका क्या हुआ, तो मैं खुद बताना भूल गया था। ये एक्चुअल में हमारे जो इंडिया वाले शिपिंग एजेंट थे ना, सागर जो अभिषेक का दोस्त, वो जो है खुद हैंडल कर रहा है, तो अब ईरान शिपिंग वाले उसको जो है रिफंड प्रोसेस करके देंगे। और भाई $20 काट रहे, कह रहे डैमेज किया कंटेनर को। मैं क्या डैमेज कर दिया भाई, ऐसा गाड़ी डैमेज नहीं हुई, तुम्हारा कंटेनर डैमेज हो गया, ये तो अलग ही सीन है। पर माने नहीं भाई, $20 जबरदस्ती काट रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर अब उनको जो है वो इंडिया में भेज देंगे अकाउंट ट्रांसफर करके। हुई भाई जगह देखो सामने क्या मस्त लग रही है, देख रहे ओपन सा ग्राउंड पूरा, एंड ये पार्किंग बनी हुई है, शायद कुछ तो यहाँ पे फेमस होगा मेरे ख्याल से। इधर देखो खाने पीने की दुकानें भी बनी हुई है छोटी मोटी, और टूरिस्ट काफी दिख रहे हैं यार यहाँ पे तो अभी। हालांकि मैप में तो अभी 1.5 किलोमीटर और दिखा रहा है। टर्की का लैंडस्केप ना भाई काफी अच्छा है, मतलब दोनों तरफ आपको जब ग्रीनरी दिखती है, सामने ऊंची ऊंची चट्टानें दिखती है, तो ऐसे अच्छी सी फील आती है। ईरान में क्या था ना, सूखा सूखा सा था भाई दूर दूर तक, तो थोड़ा अजीब सा लगता था। सेम मुझे राजस्थान में ना ये जैसलमेर साइड पे भी अजीब सा लगता है गाड़ी चलाने या बाइक चलाने में, सूखा सूखा सा देख देख के, मतलब ऐसी हरियाली दिखती रहे ना कश्मीर जैसी, तो मजा आता है। हालांकि कश्मीर के सामने तो ये कुछ भी नहीं है भाई, कश्मीर में तो बहुत हरियाली है स्पेशली पहलगाम वाले एरिया में। ओए होए भाई ये व्यू देखो सामने कितना सही है, एंड अपनी डेस्टिनेशन भी आ गई है, वो सामने ही है बस। लो भाई आ गया है बोर्ड, ओपन एयर म्यूजियम, और टर्किश में देखो क्या बोलते हैं, एसिक हवा म्यूजीजी। भाई बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो। चलो जी यहाँ पे ही पार्किंग मिल गई अपनी गाड़ी को, एंड पेड पार्किंग है, ये बंदे खड़े हुए पर्ची काटेंगे, और यहाँ से एंट्रेंस है ऊपर जाना है हमें। और इधर टर्की में ना पार्किंग को ऑटो पार्क बोलते हैं। हर देश में कितनी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है ना, भले ही वो लैंग्वेज वाइज हो, कल्चर वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, इसलिए भाई घूमते रहना चाहिए। भले ही आपके पास दूसरे देश में आने के पैसे नहीं, अपने इंडिया में ही घूम लो भाई, इतने स्टेट है, अलग अलग चीजें देखने को मिलती रहेगी, एंड ये जो एक्सपीरियंसेस एड अप होते हैं ना आपकी लाइफ में, ये आगे जाके भाई बहुत काम आते हैं। अब सोचो इस ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद मेरी टोटल 35 कंट्रीज हो जाएगी भाई साहब, देख रहे हो कितनी बड़ी बात है, मतलब सोच के लगता है यार हाँ कुछ तो करा है। 15 लीरा टिकट का प्राइस है यहाँ पे, टिकट मतलब सॉरी पार्किंग का, एंड ये पर्ची मिल गई है, थैंक यू दिस वे। ठीक है पार्किंग तो इतनी महंगी नहीं है, लगभग 60 रुपए की पड़ी। इतने मस्त मस्त चट्टाने सी है ना, देखो ये सारी फॉर्म हुई थी वोल्केनिक इरप्शन से आज से 600 करोड़ साल पहले भाई, देख रहे हो। और यहाँ की भी टिकट लेनी पड़ेगी, कितने की है कह नहीं सकते, ये कह सकता हूँ कि टूरिस्ट के लिए महंगी होगी, लोकल्स के लिए सस्ती होती है। हाउ मच फॉर वन टिकट? 150। ओके वन टिकट 150 टर्किश लीरा की है, अराउंड 600 रुपए, होपफुली वर्थ इट हो, देखना ऐसी कुछ टिकट है भाई। तो यहाँ पे दिखानी है टिकट। ओके but I need to tell you something. Okay. It's forbidden to report gimbal and drone. Ah, okay. I don't have gimbal and drone. Yeah, but you have tripod. No, this is not a tripod. Yeah, this is not tripod, but it's something like. Okay, I'll remove it. Okay. Cell phone stuff. तो भाई कह रहे ये वाला ट्राइपॉड भी अलाउड नहीं, अंदर तो बैग में डाल लेते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। यू कैन यूज दिस टिकट्स अनदर म्यूजियम। हां ओके। डिड ही से? नो। Yes, you can pass and we can talk. तो इसी टिकट से ना हम दो जगह जा सकते हैं, अभी तो हम आए ये जेल्व करके जगह, और दूसरा है ये पसाबलगार म्यूजियम, ये यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, बट टिकट यही चलेगी। ठीक है फिर तो, दो जगह की टिकट है 150 लीरा में, और क्या चाहिए। बोर्ड वोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, सब चीजें लिखी हुई है क्या है क्या नहीं, पोस्ट करके पढ़ सकते हो आप भी। यहाँ पे बेसिकली भाई 3 वैली है, 100 मीटर पे, 180 मीटर पे और 930 मीटर पे। इधर से ऊपर चढ़ते जाना है अपने को, कैसे कैसे रास्ते बना रखे देखना, ये बहुत चढ़ाई है भाई, वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, बट ऊपर जाके हालत खराब होगी, सांस चढ़ने लग जाती है ना, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट चढ़ाई चढ़ो जब, चे बड़ा चिल्लाते हैं भाई साहब, पता नहीं क्या जोश चढ़ जाता है बच्चों के अंदर, इतना चीखते रहते हैं। यहाँ तो गलती कर दी भाई, जूते पहन के आने चाहिए थे, पैर फिसल रहे हैं क्योंकि बहुत। चलो यहाँ तक का तो सफर हो गया है, ऊपर जाना है, अभी सीढ़ियाँ बनी है, एंड इन्हें कहते हैं भाई फेरी चिमनी कैसे बनी हुई है ना, यहाँ से पत्थर भी गिरते रहते हैं तो बैठना मत ज्यादा। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ये जो पूरा कैपेडोकिया का रीजन है ना, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से फेमस है, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसी चट्टाने बन गई थी मस्त मस्त थी, तो लोगों ने ना यहाँ पे छेद कर करके इनके अंदर गुफा बना ली, घर बना लिए, चर्च बना लिए, एंड मेनली उस टाइम पे क्रिश्चियंस आए थे। तो ये पहुंच गए भाई हम फर्स्ट वैली में, इस तरह से आप देख सकते हो पूरे ये घर वर बने हुए थे, अंदर खिड़कियां दरवाजे, एंड लिटरली लोग रहा करते थे उस टाइम पे यहाँ पे बताओ। एंड ओवरऑल व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, चारों तरफ आप देख सकते हो मस्त है ना, कितने सही लगते हैं यार ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे नुकीले से अजीब से ब्राउन रंग है। तो देखो जैसे कि मैं बता रहा था चर्च हुआ करते थे क्योंकि क्रिश्चियन लोग आए थे वहाँ पे, तो ये लिखा भी हुआ है। चलो अंदर तक चल के देखते हैं भाई कैसे कैसे गुफाएं थी और कैसे रहते होंगे उस टाइम पे।
अंदर मैं तो देखा है, बट भाई उन्होंने मना कर दिया वीडियो और फोटो लेने से, तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। आप ये बाहर बाहर के नज़ारे देख लो पूरे के पूरे। वो सामने सेकंड वैली है, वहाँ भी जाता हूँ, अंदर देख के आता हूँ। मतलब अंदर कुछ ऐसा वो नहीं है, यूनिक प्लेन सा है बिल्कुल। दीवार को ब्लैक कर रखा है, शायद चर्च था यहाँ पे ये वाला ना, तो ऐसे नहीं था। अंदर की घर बना रखा है, बेड बना हुआ है, नॉर्मल एरिया था बस गुफा की तरह। एक ऊपर था जैसे, एक यहाँ पे ये रहा, और ये छोटे छोटे छेद कर रखे थे एयर वेंटिलेशन के लिए, हवा पास होती रहे। ऊपर एक कमरा बना हुआ था देखो, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कमरे थे। सेम ऐसी वैलीज थी, कितने सालों पहले की बात होगी सोचो। एंड ये चट्टान देखो भाई, कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा, बट बहुत ह्यूज है और कितना भारी होगा पता नहीं। चलो भाई, दो वैलीज तो देख ली, तीसरी आधा किलोमीटर आगे चल के जाना पड़ता है, इसलिए मान ही गया सेम ही तो होगा, क्या फर्क पड़ता है ना। एंड फर्स्ट वैली और सेकंड वैली ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही थे अंदर से भी बने हुए पूरे। आए हो किसी देश में तो देखो वहाँ की हिस्ट्री क्या थी, कैसे लोग रहा करते थे, बस इतना ही था। अब यहाँ से ले रहा हूँ भाई एग्जिट और चलते हैं म्यूजियम की तरफ। यहाँ से आप सुविनियर्स भी ले सकते हो और गाइड भी मिल जाएगा अगर चाहिए तो। वन बोटल 8 लीरा की है भाई, यहाँ पे 24 रुपए की, थैंक यू। यहाँ की टाइमिंग 5:30 बजे तक की है, तो उससे पहले पहले आ जाना। और जो म्यूजियम है उसकी 6:15 तक की टाइमिंग है शाम को। ये अच्छी चीज है, हर टूरिस्ट स्पॉट पे ना वॉशरूम बने हुए साफ सुथरे, WC बोलते हैं इन्हें। और उससे अच्छी चीज है कि भाई हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सीटें मिलती है, वरना ईरान में तो पब्लिक स्पॉट्स पे ज्यादातर हिंदी वाली सीट होती थी, बट यहाँ पे मिल जाती है इंग्लिश आपको वेस्टर्न। और ये शायद से यहाँ की फ्री पार्किंग है, तो मेरे को यहीं लगा देना चाहिए था, 15 लीरा क्यों देने थे, बट हो सकता है यहाँ भी पर्ची कटे, कह नहीं सकते भैया। यही है भाई शायद से ऊपर जाके ना म्यूजियम, तो गाड़ी जाएगी देख लेते हैं। पार्किंग का तो बोर्ड यहीं लग रहा है, यहीं लगा के जानी पड़ेगी। कितनी वैन है भाई यहाँ पे मर्सिडीज की, मतलब टूरिज्म के लिए हर कोई यही यूज करता है यहाँ। चलो जी चलो, मिल गई है पार्किंग सानू। तो वैसे तो टिकट काउंटर देखो यहाँ पे ही बने हुए हैं, अरे कितना प्यारा सा है। हेलो मिस्टर, मेरे ख्याल से ना पहले यहीं आते हैं लोग, फिर उसके बाद वैली में जाते हैं आगे, बट अपने पास टिकट है तो कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई साहब कितनी दुकानें हैं यहाँ, तो सुविनियर की देखना, ओए लाइन से लगी बढ़िया चीज़ें। यहाँ पे ना टी शर्ट तो है टर्की के फ्लैग वाली, बट फ्लैग नहीं है, मुझे फ्लैग चाहिए था एक। कोई नहीं, शायद से इस्तानबुल में मिल जाएगा अपने को। यहाँ भी देखो फ्रूट्स की दुकानें लगी हुई है, जूस की, और आइसक्रीम तो फेमस है ही, खैर टर्किश। यहाँ से एंट्रेंस है, वापस से इसको लगाना पड़ेगा, ये बार कोड है ना ये स्कैन होता है। चलो जी चलो। ओ भाई साहब क्या नजारा है सामने, देख रहे हो दूर दूर तक ग्रीनरी एंड वादियां हसीन। ओए होए ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे भी शायद से कुछ बना हुआ है इसके अंदर। दरवाजा तो बंद पड़ा और यहाँ पे कुछ लिखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। इस वाले के अंदर देखते हैं क्या चीज है भाई। ये देखो ऐसे ही ना स्ट्रक्चर थे अंदर ही अंदर खाली, आवाज कितनी गूंज रही है, और वो खिड़की है जहाँ से आवाज आती है। तो कुछ भी ऐसे ना फैसिलिटीज टाइप की नहीं थी अंदर, बस बना रखा था। यार ये जो इस जगह का नाम है ना पैसा बैग, इसे इंग्लिश में कहते हैं वैली ऑफ मॉन्क्स। एंड इस जगह पे ना आपको भाई कैपेडोकिया की मोस्ट स्ट्राइकिंग फेरी चिमनीज देखने को मिलेगी। किसी में तो भाई 2 कैप है ऊपर, किसी में 3 रॉक कैप भी है। मतलब यहाँ की जो फॉर्मेशन हुई है ना कैपेडोकिया के लोगों के लिए भी यूनिक है भाई साहब। हम तो चलो एज अ टूरिस्ट आए हैं, हमारे लिए अलग चीज है, बट कैपेडोकिया वाले तो रहते थे कई सालों से ऐसी जगहों पे, लेकिन उनको ये वाली वैली भी बहुत यूनिक लगती है, बताओ। अच्छा साथ ही साथ ना ये जो चिमनीज है इनको मशरूम शेप्ड चिमनीज भी कहा जाता है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो जो शेप बनी है ना रॉक की, वो मशरूम की शेप है। चलो भाई यहाँ से ऊपर चलते हैं एंड आपको इनके अंदर दिखाता हूँ कैसे कैसे कमरे बने हुए हैं। ये कहां कहां से रास्ते बने हुए देखना, नीचे जाने के ये तो फिसल जाएगा पैर, शायद जाना नहीं चाहिए, यहाँ पे हट जाते हैं। इस तरह के देखो ये छोटे छोटे रूम से बने हुए स्ट्रक्चर, और वो बंदा ऊपर कहां से पहुंच गया भाई, कूद कूद के पहुंचा है क्या। ये देखो ये भी रूम है अंदर की साइड में, एंड यहाँ से जा रहा है भाई ऊपर का रास्ता। चलो चलते हैं, सब जा रहे हैं, क्योंकि सही में जूते पहन के आने चाहिए थे, बड़ी दिक्कत की बात है। ओ भाई साहब कुछ बना भी नहीं रखा इन्होंने पकड़ने का ढंग से, अरे चढ़ गया भाई। ये देखो ऐसे छोटे छोटे कमरे से बना रखे हैं। ओ अच्छा वहां से चढ़ रहा है वो बंदा ऊपर, देखो समझ गया। एंड यहाँ से बाहर का नजारा दिख रहा है, बालकनी हो गई समझ लो ये पूरी की पूरी, देख रहे हो उस जमाने में भी बालकनियां हुआ करती थी। चढ़ने का भाई बना तो रखा है जुगाड़, यहाँ चढ़ चढ़ के फिर ऊपर गए वो भाई। एंड यहाँ से भी रास्ता देखो, फाइनली भाई चढ़ी गया बड़ी मुश्किल से ऊपर। एंड ऊपर भी कमरे बने हुए भाई, ये देखो हो तेरी। यहाँ से नीचे वो देखो मेरा फोन पड़ा है भाई साहब, ऐसे आले वाले भी बना रखे हैं फोन वोन रखने के लिए। उस वक्त ये मजाक कर रहा हूँ, फोन होते ही आते भाई अब, बट सही सी जगह है देखो, हुए हुए मजा आ गया भाई। अब उतरूंगा कैसे वो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि चढ़ तो गया हाथों का जोर लगा के, पर उतरने में
टेक्निक लगेगी थोड़ी सी, स्ट्रेट है तो पूरा। चलो उतर जाऊं मैं। ओ भाई उतर ही गया फाइनली, क्या सही चीज है भाई, यहाँ पे मजा सा आ गया। तो ये जो भाई है इनसे मैंने फोटो भी खिंचवा ली अपने फोन से, सही आ गई ना। एक ये भी गुफा बनी हुई है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ तो काफी अंधेरा हो रहा है भाई, सब दिन के टाइम पे अंदर इतना अंधेरा है, तो जब रात हो जाएगी यहाँ तो कुछ भी दिखेगा ही नहीं आसपास का। छोटे छोटे खाने से बने हुए ये देखो अंदर इनके, बट ये है इनके अंदर ना टेम्परेचर बहुत सही है, मतलब ठंडा ठंडा सा हो रहा है, गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ भी है भाई गुफा नीचे नीचे, ओए होए भाई ये तो पूरी सिटी सी बना रखी है अंडरग्राउंड इन्होंने, देखना। चलते अंदर आ जाओ। ओए भाई पूरा कमरा है ये तो, 10x10 का, 10x10 से भी बड़ा कमरा है, देख रहे हो। एंड ये ढांचे से बना रखे अंदर ही अंदर इन्होंने सामान रखने के लिए शायद। और ये इनका लाउंज एरिया हो गया, यहाँ पे दो सोफे लग रहे हैं, घेरा सोफा है, घेरा सोफा, तो बैठ के मस्त हवा खा सकते हैं यहाँ पे। एंड इधर से भी रास्ता जा रहा है ये देखो, ओए कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। कमाल का आर्किटेक्चर है भाई साहब, कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल दिया, समझ नहीं आ रहा। मजा आ गया भाई ऐसी यूनिक चीजें देख के, इतनी महंगी टिकट भी नहीं है, तो जरूर आना, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा। मेन जो गोरे में सिटी है वहां से 10 किलोमीटर है, गाड़ी नहीं है तो टैक्सी कर लेना, और पैदल चलने का शौक है तो ट्रैक करते हुए आ जाना, 10 किलोमीटर क्या ही फर्क पड़ेगा। यहाँ वाली पार्किंग तो फ्री थी, चलो ये सही है। हम मेन सिटी सेंटर चलते हैं, बहुत कुछ करना है भाई अभी, बहुत कुछ, क्योंकि हॉट एयर बलून नहीं हुआ हमारा, किस्मत खराब थी, 4 दिन इतनी बारिश और विंड की वजह से, बट बाकी चीजें तो हम करके रहेंगे भैया। स्कॉर्पियो में ना कहीं भी पावर में कोई कमी नहीं आई भाई, जितनी चढ़ाई हो ना कहीं भी, चट्टानों पे भले ही ऑफ रोडिंग पूरी स्ट्रेट चढ़ाई, इसका इंजन हर जगह चढ़ा देता गाड़ी को आराम से। तो अभी तक तो चॉइस भाई अपनी अच्छी निकली है इस ट्रिप के लिए, स्कॉर्पियो को लाना, आगे पता नहीं, अभी तो 80-90 दिनों का सफर बाकी है। क्योंकि तो अब जा रहा हूँ भाई मैं जरा मार्केट, ATV भी रेंट पे लेकर आनी है, अभिषेक भी फिर ज्वाइन कर लेगा, दोनों अलग अलग लेंगे भाई, मस्ती से चलाएंगे 2 घंटे के लिए, और मेरे को वोफल भी खाने हैं तो वोफल भी खाते आएंगे। शाम के टाइम पे भीड़ लगती है, सारे लोग ना होटल से निकलते, खैर आज तो वैसे भी बारिश आ रही थी, क्यों ही निकलते, हम ही थे पागल जो निकले थे खाना खाने। इस वाली शॉप पे कल मैं आया था रोज लैंड में, और यहाँ से मैंने कल वोफल खाए थे। हेलो हाउ आर यू, कल तो कोई लड़की थी, आज ये है भाई। आई नीड क्लासिक वोफल बट विदाउट फ्रूट्स, नो बनानास, नो स्ट्रॉबेरीज, ओनली क्लासिक वोफल विद आइसक्रीम। Chocolate? Yes, ice cream, vanilla ice cream, and 1 or 2 strawberries only. Strawberries 1 or 2 only. Okay. How much for that? तो इन्होंने बहुत सारी strawberries डाल दी थी भाई, इसलिए महंगा पड़ा था काफी, आज थोड़ा सस्ता पड़ेगा। Hi, how are you? Hi, good, you? Yeah, I'm too. How can I help you, sir? I just need a classic waffle. Okay. Without bananas. Okay. Only ice cream, chocolate waffle and 1 or 2 strawberries. हाँ भाई मजा ही आ गया, मैं तो रिकॉर्ड करना ही भूल गया टेस्ट के चक्कर में। टेस्टी तो है लेकिन 200 तुर्की लीरा यानी कि 700 रुपए का वोफल। एंड ये फाउंटेन बह रहा है चॉकलेट का, इसी में डूब जाऊं मैं तो क्या मजा आ जाएगा। दिल है और उसकी नलिया है, उसको मजा नहीं आएगा, वो बेचारा तड़प जाएगा इतनी चॉकलेट देख के अपने अंदर। अच्छा जितना आप इस लाइन में आगे चलते जाओगे ना भाई, चीजें सस्ती होती जाती है, क्योंकि आगे वाली जो दुकान है ना वो महंगे टूर पैकेजेस बेचते हैं बड़े। तो मैं लाइन से ना सारी दुकानों पे पता करता हुआ जा रहा हूँ कि कौन सा पैकेज कितने का दे रहे हैं, जहाँ पे बेस्ट मिलेगा वहीं से लेंगे फिर। भाई सब 11 ट्रैवल एजेंसी के पास पता करने के बाद ना इस वाली दुकान पे सबसे सस्ता पैकेज मिल रहा है, तो ATV भी और साथ में टर्किश नाइट भी दोनों यहीं से बुक करवा लेते हैं भाई। टर्किश नाइट के लिए अपने को बेस्ट यहाँ पे पड़ा है 650 लीरा एक बंदे का, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूडेड नहीं है। विद सिटी फॉर टर्किश नाइट एवनोस, तो ये जो पूरा शो होता है ना एवनोस में होता है, यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर, तो हमारे पास अपनी गाड़ी है भाई, खुद चले जाएंगे, वरना 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे पिकअप एंड ड्रॉप की, क्यों देने है ना। तो टोटल 1300 टर्किश लीरा में 2 बंदों का बुक हो गया, ये पर्ची मिल जाएगी हमें, और लोकेशन भी बता देंगे कहाँ पे जाना है। 8:30 बजे से 11 बजे तक का होगा, मतलब वही 2-2.5 घंटे का। तो ये है वो शहर एवनोस जहाँ पे हमें जाना है शाम को। चलो जी पहले ATV राइड ही कर ली जाए। सब लोग ना यहाँ पे 27 यूरो 30 यूरो ऐसे मांग रहे थे, बट इनका रेट सही है, अब 25 यूरो का 2 घंटे की राइड है। और एक्चुअल में ग्रुप में ले जाते हैं, हम खुद से नहीं चला सकते भाई, चलाएंगे तो हम ही, पर ऐसे अलग से नहीं, कहीं भी लेके भग जाओ उनके साथ ही जाना पड़ेगा ग्रुप। एक चीज और भाई, ये जितने भी पैकेजेज है ना सब जगह पे सेम ही पैकेज होते हैं, बस प्राइस का डिफरेंस होता है, तो इसलिए बिल्कुल एंड तक आ जाना, यहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि ना टूरिस्ट इनके तक पहुँचते नहीं है, इसलिए इनके प्राइस हमेशा कम रहेंगे। आगे वाले जो है वो महंगे देते हैं, क्योंकि सारे टूरिस्ट वहीं से खरीद लेते हैं, इसलिए इस तरह का ग्रुप जाता है। देखो सारी ATV ना एक साथ ऐसे टॉप पे कहीं पे ले जाते होंगे, और पूरी सिटी का भी टूर देते हैं, तो मजा तो बहुत आएगा ना ऐसे ग्रुप में जाने का। हेलो डोगी, हाउ आर यू, व्हाई आर यू, किधर जा रहे हो। वो ग्रुप तो गया, अब हमारा ग्रुप रेडी हो गया भाई। एक ATV आ गई है, अभिषेक के लिए दूसरी ATV आ रही है, मस्त मजे करेंगे भाई। 2 घंटे का टूर होने वाला है,
25 यूरोस का पड़ा है हमें, इंडिया के वही 2000 रुपए के आसपास लगा लो। तो एक हमारे लीडर होंगे आगे, उनके पीछे पीछे हमें चलाते जाना है। वैसे आप एक एटीवी में ना दो लोग भी बैठ सकते हो, मतलब सेम प्राइस में, बट क्योंकि हमें दोनों को ही ड्राइव करनी थी इसलिए हमने दोनों ने अलग अलग लिया, 25-25 मतलब 50 यूरोस टोटल। हेलमेट मिल गया भाई साथ में, ये सर पे लगाने वाला भी, क्योंकि बहुत से लोग यूज करते हैं तो ऐसे पसीने वसीने लगे होंगे लोगों के, ये सही रहेगा। वैसे तो ये हेलमेट सेफ्टी के नाम पे कुछ फायदा तो होगा नहीं, बट ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए पहन लेते हैं। लो भाई आ गई है दूसरी एटीवी भी, और काफी लोग हो गए भाई, 10-15 लोग है मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, ये ग्रुप अलग है, हमारा तो ये ग्रुप है सारा, हमारे ग्रुप में सारे एशियन लोग ही है। मजेदार, पता नहीं ये चाइना के है या शायद से सिंगापुर के है। वो रही भाई अभिषेक की, ये रही मेरी, लेट्स गो भाई लोग, मजेदार। ओए होए, एंड ये जो एटीवी होती है ना, इसमें रेस देने का ये नहीं होता, ये होता है ताकि गलती से दबे ना, और वैसे भी चार पहिए की है तो सेफ ही रहती है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को लग रहा है फोन रखना पड़ेगा भाई, वरना चला नहीं पाऊंगा ढंग से। कैन यू एक्सप्लेन सर, व्हेन यू गो पुश पावर स्लोली, ओके, स्टॉप टाइम डोंट टच पावर, पुश दिस ब्रेक, ओके, दिस इज ब्रेक राइट, ओके, एंड फॉर दिस नथिंग, ओके, You idiot. तो सिंपल है भाई, ये रेस है और नीचे पैर पे ब्रेक है, मस्त मजे करो। पर ये थोड़ी पुरानी सी हो रही है, बट ठीक है भाई मजे तो आएंगे, लेट्स गो 2 घंटे की मस्त एटीवी ड्राइव पे। चलो भाई चलो, काफिला चल चुका है, ज्यादा पावर नहीं है। Hello, my friend. तो अपने साथ एक भाई भी बैठे हुए पीछे, अनमोल अनमोल, यस, माय नेम इज माइक, ओके, होल्ड इट लाइक दिस। थोड़ी बहुत भाई ने रिकॉर्ड करवा दी, और ब्रेक इसकी भाई काफी कम है, मतलब जल्दी से लग नहीं रही, तो स्लो स्पीड में ही चलाना पड़ेगा। हालांकि इनकी स्पीड कुछ खास तेज भी नहीं है, धीरे ही चलती है ये, बट स्टिल भाई कितने सारे लोग हो गए हैं अलग अलग ग्रुप के, तो देख रहे हो ऐसे पूरा ना ट्रैक बना हुआ है, मस्त ऐसे घूमते हुए जाएंगे। अभी तक तो भाई नॉर्मल रास्ता था, यहाँ पे ज्यादा ही कुछ ऑफ रोडिंग है, तो शायद से अब कैमरा रखना ही पड़ेगा, जब तक भाई कर रहे थे तो ठीक है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलो 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 लेट्स गो, होए होए हट जाओ। लो जी लो, बार बार बीच बीच में ब्रेक्स ली जा रही है, अभी शायद से रुकवा रहे हैं, कुछ फोटो वोटो लेंगे, क्या मस्त जगह है यार ये। और मैंने पूछा था अभी कोई मोनेस्ट्री ले जा रहे हैं शायद से यहाँ पे, वहाँ से ना सनसेट भी दिखेगा मस्त। तो ये चाबी है सिंपल, बस घुमा दो बंद हो जाएगी, सबकी बंद कर दी, मेरी ओन है पता नहीं क्यों भाई। अभी तो चढ़ेंगे ऊपर, यहाँ से चढ़ेगी। हाँ तो यहाँ पे फोटो लेने के लिए 10 मिनट का ब्रेक है, क्या जगह है यार मस्त, होए 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 तगड़ा। लाइन से लगी पड़ी है भाई अपने पूरे ग्रुप की एटीवीज, देख रहे हो भाई साहब झुंड देख रहे हो, कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा एटीवीज होंगी। और यहाँ से चढ़ते चढ़ते हम आ गए यहाँ पे फोटो के लिए, सेम वैसी आ रहा है जैसे अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था जहाँ मैं गया था ना, बिल्कुल तो। एंड वो सामने पूरी गोरे में सिटी है। ये जो शाम को 5:30 बजे वाला टूर होता है ना भाई, इसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग इसी को प्रेफर करते हैं सनसेट देखने के लिए। तभी आप देखोगे जितने भी ग्रुप्स है ना, सारे इसी टाइम पे आए हुए हैं। और सामने एटीवी तो मैं दिखाई चुका हूँ भर भर के। ये वाली एटीवी थोड़ी नई है अपनी, जो है ना वो थोड़ी पुरानी है, शायद इसलिए सस्ती है क्योंकि कहीं पे भी ना 30 यूरो से कम में मान ही नहीं रहते, और 1 घंटे वाली 20 यूरो में, बट हमें 2 घंटे वाली 25 यूरो में मिल गई तो सही है। चलो जी कार्यक्रम वापस से शुरू, और मेरे इसलिए बंद नहीं कर रहे क्योंकि इसकी बैटरी खराब है, तो एक बार ऑफ हो गई तो फिर दिक्कत ना हो जाए वापस से। लेट्स गो। करेक्ट 6 बजे शुरू हो गया था टूर, अभी 6:30 बज रहे और ये कह रहे हैं कि 8:30 तक हम वापस आएंगे, तो वैसे टेक्निकली देखा जाए 5:30 पहुंचना होता है और 8:30 छोड़ते हैं 3 घंटे का, बट मेन जो है ना वो 2 घंटे ही होगा। चलो जी चलो भाई भगा लो, चलो जी आंटी जी, अरे आंटी नहीं है दीदी है। चलो भाई वापस एक और ब्रेक, यहाँ पे शायद से फोटो वोटो ली जा रही है, वो अपने लिए ले रहे हैं शायद से। भाई बिजनेस है भाई ये, कितने की 1.5-2 लाख रुपए की एटीवी आती होगी, और ये पर बंदा 2000 रुपए ले रहे हैं हर रोज भाई, 10 एटीवी भी चढ़ गई तो बल्ले बल्ले हो। चलो जी वापस से स्टार्ट हो गया, अब कुछ और नेक्स्ट लेवल वाली ऑफ रोडिंग होने वाली है शायद से। यहाँ पे रोक लिया भाई, अब पैदल पैदल ऊपर लेकर जा रहे हैं कहीं पे, तो सही है जो पूरी वैली है ना इस एटीवी राइड में आप घूम लोगे आराम से, और इतनी महंगी भी नहीं है तो कर लेना अच्छी चीज है। वही शायद से फेरी चिमनी के अंदर घर बने हुए अलग अलग, थोड़ा संभाल के चढ़ना पड़ेगा, यहाँ फिसल सकते हैं क्योंकि वो भाई साहब यहाँ तो और ऊंचाई पे है, देखना पूरे कमरे बने हुए सेम वहीं की तरह।
झाड़ी भी नहीं पकड़ सकते, इतने बड़े बड़े कांटे हैं यहाँ पे, तो उधर चढ़ना मुश्किल है थोड़ा सा। लोगों से चढ़ा नहीं जा रहा, वो देखो धक्का लगा रहे हो, गिर गई। वन गो में ही चढ़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी, वरना तो फिसल जाएंगे। अबे यार सही में चप्पल तो बहुत फिसल रही है, बट कोई नहीं भाई, चढ़ जाएंगे, लेट्स गो। ये क्या बात है, आ जाओ आ जाओ, एक ही गो में आना, रुकना मत, दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए। यस वेरी गुड। अभी तो और ही अंदर अंदर गुफा बनी हुई है भाई, कितने पतले पतले से रास्ते देख रहे हो। ओए पहुंच गए यहाँ पे, तो और स्लाइड है अब। इजी 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 माय बॉय, इजी, थैंक यू सो मच, फाइनली आ गए भाई। वही सेम टू सेम देखो, रूम से बने हुए हैं, और अंदर यहाँ पे तो पेंटिंग भी करी हुई है भाई। दिस इज चर्च, चर्च, ओके चर्च है भाई ये भी, देख लो प्रेयर्स वेयर करते थे लोग उस टाइम पे, एंड वहाँ पे क्रॉस भी बना हुआ है पूरा। एक दो तीन चार, ओहो कितने सारे कमरे हैं, और ये शायद से जकूजी होता था उस टाइम का। कितना नीचे नीचे से है भाई, ओ भाई साहब, हाँ यहाँ तो कितने ही खाने बने, अरे ये कैसे पतंगे से उड़ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो चर्च, दिस इज ऑल्सो चर्च होम, ओ ओके, ओ ये कबूतरों के लिए वो बना रखा था, एंड ये लोगों के लिए था। चलो जी चलो, अंदर ही अंदर पूरी सिटी बसा रखी है यहाँ पे तो, मस्त एकदम, देख रहे हो वाटर जकूजी, शावर शावर, ओके नीचे जाओ, नीचे जाओ, डर रहे हैं सब। बावले हो गए भाई सब के सब। यहाँ से जैसे तैसे करके चढ़ तो गए थे, बट उतरने में बैंड बजेगी। बैठ बैठ के सही है भाई, फोन रख लेता हूँ बैग में, अब वरना फिसला तो मेरा माइक फिर टूट जाएगा नया। चलो जी चलो, वापस से कार्यक्रम शुरू, और ये लोग टूर से वापस आ रहे, तो मतलब हम इसी रास्ते से आएंगे, ये शायद से इंडियंस लग रहे हैं। लेट्स गो भाई, वो वहाँ पे कहीं पे लेकर जाना है इनको शायद से, चलते जाते हैं देखते हैं भाई। मस्त ऐसे ना अलग ही छुपे हुए से रस्ते है, मतलब इनके साथ ना आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कभी ऐसी चीजें भी है यहाँ। सही रहते हैं ऐसे गाइड ले लो ना आप, ज्यादा महंगे ना हो, और अंदर ही अंदर एक्सप्लोर भी कर पाओगे भाई। को बिल्कुल ना भीड़ी पड़ी है क्योंकि ढलान है ना, तो मैं जैसी ब्रेक छोड़ रहा हूँ इनकी भी आगे जा रही है धीरे धीरे, टाइट रखेंगे, लेट्स गो। भाई साहब ये वाला पैच सबसे टफ था, देखना कैसे ऊपर चढ़ाई है, पावर तो है भाई इसमें नो डाउट। लेट्स गो भाई चलो, ये आई गेस फाइनल स्पोर्ट हो सकता है टॉप पे, बिल्कुल सामने देखो और कितने घोड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि कैपेडोकिया का मतलब ही होता है लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस। समझ में आया क्या? हाँ ओए होए होए, तारा सुंदर सुंदर जगह, मजेदार, देख रहे हो, शायद यही है भाई, इससे ऊपर तो अब कोई जगह नहीं दिख रही, वहाँ पे दूर तो है, वहाँ तो ले जाने नहीं वाले ये, हाँ वापिस ही ले जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग जो आप पैकेज लोगे ना, वो भी ऊपर तक ही लेकर आते हैं, पूरा वैली का टूर करवाते हुए। बाकी यहाँ खाने पीने का कुछ देखते हैं भाई, हालांकि महंगा होगा बहुत, पर ठीक है, कौन है तो खा लो, कौन थोड़े से ना, स्मॉल टू स्मॉल, बिग वाला 100 लीरा यानी कि 370 रुपए का, छोटा ही लेंगे भाई 60 लीरा का एक। भर तो दो उसको, इसको भर पहले। है तो टेस्टी भाई, मजेदार। ऊपर यहाँ पे टॉप पे कुत्ते बहुत सारे हैं भाई साहब, और यहाँ से नजारा देख लो। बाकी एक वो ऊपर चोटी सी है, वहाँ भी आप पैदल चल चल के जा सकते हो सनसेट देखने के लिए, बट अब ऑलरेडी सन जो है वो सेट हो चुका है, तो इतनी ट्रैकिंग करके ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है। ओ चलो भाई, ग्रुप भी स्टार्ट हो गया वापस से, तो वही सेम रस्ते से नीचे जाएंगे, तो इसलिए अलग तो कुछ दिखाने का है नहीं, अब सीधा नीचे ही मिलूंगा, क्योंकि भाई टर्किश नाइट है आज हमारी, मजे आएंगे वहाँ पे। टूर भाई खत्म नहीं हुआ अभी, वहाँ से यहाँ ले आए सनसेट पॉइंट तक, और ये कुछ पिला रहे हैं, अल्कोहल नहीं है, पूछ लिया मैंने इसलिए, पहली उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा, वेस्ट नहीं करेगा वो भाई, बावला हो गए तो, आधी तो खाली हो गई, क्या ही पिलाएगा। अच्छा दो बोतलें थी ना, दो थी, ये सब चीजें भाई टूर में ही इंक्लूडेड है, दिखने में तो रोबजा सी लग रही है, पी के देखे कैसी। अरे तो वो है एपीफिस जैसी, बढ़िया लेकिन सही है, पूछ लिया भाई, अब लास्ट ही है बस यहाँ से, अब सीधा नीचे जा रहे हैं क्योंकि सनसेट भी अच्छे से हो चुका है। लेट्स गो भाई, घूम घूम करके, अरे तो बंद हो गई। ए फ्यू मिनट्स लेटर, लो भाई लो वापस आ गए, आते वक्त भाई इन्होंने अलग ही रूट लिया, 10 मिनट में पहुंच गए ऊपर
जाने में 1 घंटे से ज्यादा लग गए थे। चलो इनके पैसे वैसे देते हैं भाई, बंद करते हैं। चेहरा भाग दे, शर्म आ रही है। करी थी ना फिर हरकत है वो वाली। पर इन्होंने ना अपने फोन से फोटो ली थी भाई, और ये देखो यहाँ पे आए हम, प्रिंट निकाल के फ्रेम भी करवा ली 100 लीरा की, यानी कि 370 रुपए की। तो ले लेंगे पांडे की एरी, मेरी तो अच्छी आई थी, बाकी देखते हैं कैसी है। और अंदर लाने से पहले प्रेशर मारा जा रहा है हवा का, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो सारी साफ हो जाए। देख रहे हो कैसे हवा मारेगा मुंह पे सीधा वो। मेरे से मजे ले रहा था, अभी बताता हूँ। अपनी भी फोटो आ गई है, पोज देख रहे हो भाई साहब मजेदार। चलो जी चलो लेट्स गो। 8:30 बज गए हैं, निकलने का टाइम हो गया। भाई कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और वो सामने आपको लाइटें दिख रही है वही शहर है एवनोस, जहाँ पे हमें जाना है। बट ऊपर बादल देखो भाई, पूरी हैरी पॉटर वाली वाइब आ रही है। कल भी मैंने आपको बोला था ऐसा लग रहा है जैसे तम पिशाच आने वाले हो इन बादलों में से निकल के। जो एवनोस है ना वो मेन सिटी है, मतलब यहाँ से बड़ी है गोरे में से बहुत ज्यादा। शायद से जो इंडियन रेस्टोरेंट में उन्होंने वो बताए थे ना कार वॉशिंग वाले, वो भी एवनोस में ही है। तो कल देखते हैं टाइम मिलेगा तो कल जाके फिर एक बार साफ सफाई अच्छे से गाड़ी की करवा लेंगे। वैसे तो बारिश से साफ हो ही गई है, बट एक बार फिर भी अच्छे से बनता है करवाना। का भाई मेन सिटी सेंटर है, ये रहा सामने रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें जाना है, एवरनोस कैफे या रेस्टोरेंट। वोडाफोन के स्टोर हर जगह पे ही है, और इनका फेमस यही है टर्किश नाइट, इसलिए बाहर भी बोर्ड लगा रखा है। पार्किंग वार्किंग मस्त है, बाकी अगर हम वो ट्रांसपोर्ट लेते तो इसमें आते भाई सब मस्त है। तो पूरा गुफा सी बना रखे इन्होंने, पार्किंग में भीड़ देख के तो लग रहा है भाई कि हाँ अच्छी खासी भीड़ होगी अंदर। बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो तो बने रहो तभी बताएंगे। प्रॉपर भाई गुफा वाली वाइब दे रखी है यहाँ पे। लेट्स गो। आई सी ट्रेवल यस 2 for 2 तो भाई पहले शुरू हो चुका था, अभी म्यूजिक बंद हुआ है। तो कुछ चीजें रखी हुई है यहाँ पे, पनीर चटनी बटनी पता नहीं क्या क्या खाने में। अभी एक स्प्रिंग रोल टाइप का आया पनीर का, तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों चीजें हैं। बाकी ड्रिंक्स में आप सॉफ्ट ड्रिंक भी अनलिमिटेड ले सकते हो और हार्ड ड्रिंक भी। आगे देखो लोगों ने बियर वियर भी ले रखी है, वाइन है विस्की है, तो ये सही है भाई, इतने पैसों में ड्रिंक्स अनलिमिटेड है जो पी सकते हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक वाले तो क्या ही वसूल करेंगे, बाकी खाने में वसूल हो जाएगा तो बढ़िया। इसने भी लिया है कुछ, क्या है ये लोकल ड्रिंक है टर्किश, कैसी होती है मतलब? तो ये सही लगा भाई वेज वाला। पहली ना पूछ जाते हैं कि वेज लेना है या नॉन वेज, तो हमने एक वेज एक नॉन वेज बोला, और नॉन वेज में भी सिर्फ चिकन चिकन। पर हमें सीट गलत मिली है भाई, बहुत दूर है वो, आगे आगे मिलने चाहिए थी, आराम से दिखता था कुछ। पहले तो भाई ग्रुप डांस हुआ था, अब ये ऐसी ड्रेस पहन के अलग से डांस हो रहा है। चार तो शो हो चुके हैं भाई, और खाना अभी तक परोस ही नहीं रहे, स्नैक्स के नाम पे चखना खा रहा हूँ ये देखो बैठ के, शर्म ही नहीं आ रही। बताओ चले जा रहा है। यहाँ का पनीर भी बड़ा अजीब सा टेस्ट है, मैंने जरा सा चखा, पसंद ही नहीं आया बिल्कुल भी। पर अब कुछ कुछ टेबल्स पे खाना जो है भाई आ गया है, तो जल्दी जल्दी हमारे पास भी आए। मैं तो आया ही खाने के लिए हूँ, और ये शो देखने के लिए, पीनी तो है नहीं वैसे भी। ऊपर भी देखो मैंने पूरा मिट्टी का है, अब अंदर इनका इंटीरियर भी मिट्टी है पता नहीं, पर ये ऊपर ऊपर की लेयर तो मिट्टी की लग रही है। पूरा वही केव को मतलब ध्यान में रखते हुए बनाया गया, क्योंकि ये पूरी सिटी ही फेरी सिमनीस के लिए फेमस है, तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। अभी शायद से आ गया है हमारा खाना भी, ये इसमें होंगे कबाब मस्त। यहाँ पे भाई रोटी वोटी नहीं चलती, इस तरह के बंद चलते हैं, वो भी बिल्कुल सूखे हुए, देखना कैसे कड़क से हो रहे हैं। वेज में भाई चाउमीन सीधी है, और ये चावल फ्रेंच फ्राइज, बाकी नॉन वेज में फ्रेंच फ्राइज चावल तो है ही, साथ में है भाई अंदर मटके वाला चिकन। ओए होए होए, चिकन भी था बीफ भी था, बट मैंने चिकन लिया। ये टर्की में भाई काफी फेमस है, तो खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। चिकन तो भाई शोरमा वाला ही है पूरा, बस थोड़ी सी ग्रेवी है पतली सी, ग्रेवी तो क्या ही है पानी है समझ लो साथ में, बट टेस्ट अच्छा है मजेदार। लेकिन वेज वालों के लिए तो 9 साफी है, बड़ी ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। ये सब्जी है क्या इसमें, वेजिटेबल है? आलू बैंगन। अपना सही है भाई, चिकन वालों का मस्त एकदम। सामने भाई हमारे टर्किश शादी चल रही है, तो इस तरह से कुछ होता है। बीच में जो लड़का बैठा है लड़की बैठा है, ये दूल्हा दुल्हन है, वो भाग गया लड़का तो वाह दुल्हन को अकेला छोड़ के। अरे दुल्हन को ये क्या हो गया, अचानक से दुल्हन में करंट आ गया। शादी के लिए लड़का जो है वो लड़की को इम्प्रेस कर रहा है, बट लड़की इम्प्रेस हो ही नहीं रही है, वो अलग अलग करतब कर करके दिखा रहा है, कभी पुशअप मार रहा है कभी कुछ।
चलो जी सारा कार्यक्रम खत्म, चल रहे हैं अब होटल की तरफ वापस से। 8-9 किलोमीटर ही है, 10 मिनट लगेंगे हार्डली। ठीक है, मतलब शो के लिए आ सकते हो, अलग एक्सपीरियंस है, बट खाने वाने इतना वर्थ इट नहीं था 2700 रुपए के हिसाब से। हो गया भाई, इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अच्छा वही है, सारे ग्रुप वाले है ना तो भीड़ लगा रखी है, बट अपन नहीं है भाई ग्रुप वाले, अपन है स्कॉर्पियो एन वाले। बाकी चलो यार, इस वाली व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। चलो जी बाय।